Hey everyone, welcome to the Eduventures YouTube channel. And in this lecture, we'll talk about, we'll discuss about the analysis of what students of or the batch of 2020 NIMCET aspirants or MCA exam aspirants did mistakes of, and उनसे हम क्या सीख ले सकते हैं. Allied Adventures YouTube channel हमने कुछ मंथ पहले चालू करा था और we are not regularized on YouTube yet. But soon we are going to regularize our content on YouTube. So please subscribe our channel to get updated with our content. So without wasting our time, let's get started. So ये video जो आज का है, इसका motive mainly ये है कि हम analysis करें उस उन चीजों का जो batch of 2020 या students of 2020 NIMCET aspirants 2020 की मैं बात करूं तो उन्होंने क्या अपने समय में गलती करी थी या फिर उनके साथ क्या ऐसी सिचुएशन हुई थी जो कि आपके साथ भी हो रही है तो उन्होंने क्या गलती करी थी जिसको आप ओवरकम कर सकते हो उनसे सीख लेके उनके समय का एनालिसिस करके आप क्या सीख ले सकते हो तो सबसे पहले जो बात है अब जून का मंथ स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स के लिए ये काफी बुरी खबर है क्योंकि 2020 में भी और 2021 में भी दोनों ही साल NIMCET एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो गई है इट इज बेसिकली कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ इन द एंड ऑफ द मंथ ऑफ मई तो 2020 में भी एट द एंड ऑफ मई होने वाली थी एग्जाम और 2021 में भी पर ड्यू टू कोविड एंड अदर प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री द एग्जाम इज बीइंग पोस्टपोन्डेड ओके और अभी जो है 2021 में जो एग्जाम है वो रिशेड्यूल नहीं हुई है इसका मतलब अभी जो है 2021 NIMCET की कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है द सिमिलर सिचुएशन वॉज विद द बैच ऑफ 2020 और अब हम देखते हैं कि उनके साथ ऐसी क्या सिचुएशन थी जिसको जिससे हमें सीख लेकर 2021 में गलतियां रिपीट नहीं करनी चाहिए जो बहुत सारे बच्चों ने 2020 में की थी So, सबसे पहला है आपका एक टाइमलाइन में बना देता हूँ टू एक्सप्लेन हाउ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर लाइक सेंस टू और थ्री इयर्स एंड बीन गेटिंग अनसक्सेसफुल फॉर वाइल सो अगर मैं एक आपकी टाइमलाइन बनाऊ और इसमें मैं इयर्स मेंशन कर दू तो लेट मी एक्सप्लेन 2017 लाइक 2018 2019 2020 And this is 2021, your current year. So, अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले उन बच्चों की जो 2021 में appearing है. So, all the students who are appearing 2021, अब इनमें से बहुत सारे बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे एक साल से prepare कर रहे होंगे. So, they might have started the preparation from 2020 onwards. अदर देन दिस कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 2019 में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी सो टिल 2021 दे हैव कवर्ड टाइम स्पैन ऑफ टू इयर्स फॉर देयर प्रिपरेशन फॉर NIMCET और अदर MCA एंट्रेंस एग्जाम्स और अगर कोई बच्चा 2018 से प्रिपेयर कर रहा है दैट इज फ्रॉम अगर बैचलर्स के उसके फर्स्ट ईयर से वो स्टार्ट कर रहा है दिस माइट बी हिज फर्स्ट ईयर फॉर फ्रेशमैन सो फर्स्ट ईयर से अगर वो स्टार्ट कर रहा है तो फर्स्ट ईयर से उसे तीन साल हो जाएंगे 2021 में अगर वो अपियरिंग है तो ये हो गई फ्रेशमैन की बात अगर मैं बात करूं कोई ऐसा बच्चा है जो ड्रॉपर है वो हैव ऑलरेडी अपीयर्ड इन 2020 सो उसके लिए सिचुएशन ऐसी रहेगी कि ही माइट हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम 2019 सो इट माइट बी वन ईयर फॉर हिम और 2018 से अगर करी होगी तो दो साल हो जाएंगे और 2017 दैट इज बैचलर्स डिग्री के फर्स्ट ईयर से अगर स्टार्ट करी होगी सो इट माइट बी थ्री ईयर्स तो अब उस सिचुएशन को लेते हैं सबसे पहले वर्स्ट केस को लेते हैं जब किसी बच्चे ने स्टार्ट करी हो प्रिपरेशन 2017 से और ऐसा अज्यूम करके चलता हूं मैं कि 2020 की जो भी सिचुएशन रही थी एंडिंग में मतलब एंडिंग से मेरा मतलब है कि जब एग्जाम पोस्टपोन हो गई थी उसके बाद की जो सिचुएशन हुई थी वो प्रेशर जो बच्चा हैंडल नहीं कर पाया वो 2021 में अब अपीयरिंग ही हैज टेकन अ ड्रॉप ओके सो अब उसको जो है टोटल फोर ईयर्स हो चुके हैं फोर ईयर्स फॉर प्रिपेयरिंग फॉर MCA एंट्रेंस और आपका जो MCA होता है अभी तक NITs में जो अभी करेंटली 2020 के बैच तक भी हो रहा है दैट इज फॉर थ्री ईयर्स सो ही हैज टेकन मोर देन द टाइम फॉर हिज MCA टाइम का जितना MCA में जितना उसको टाइम लगता है उससे ज्यादा उसने टाइम ले लिया उसकी प्रिपरेशन के लिए एंड स्टिल द एग्जाम इज रिमेनिंग येट
सो पहली सिचुएशन ये है. देन इफ द स्टूडेंट हैज स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम 2018 एंड ही इज टेकिंग ड्रॉप, सो उसको भी 3 साल हो गए होंगे, लाइक 3 ईयर्स. सो इक्विवेलेंट टू एमसीए फ्रॉम एनआईटी. देन 2019 की अगर मैं बात करूं तो 2 साल हो गए होंगे. तो अभी जो आपको पता होगा कि बहुत सारे कॉलेजेस में एमसीए 2 साल का हो गया है, मोस्ट प्रोबेबली इट माइट बी पॉसिबल दैट एनआईटीज में भी एमसीए 2 साल का हो जाए. सो अगर ऐसा होता है तो अगेन इक्विवेलेंट टू एमसीए एंड एनआईटीज. सो आप जब है इतना ज्यादा अपना टाइम स्पैन जो है, इतना क्रूशियल टाइम जो है, इस समय का टाइम सबसे क्रूशियल होता है, इस एज का टाइम सबसे क्रूशियल होता है, इतना टाइम एक एग्जाम के पीछे आप डिवोट कर रहे हो, इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, तो दिस इज अ वेरी वर्स्ट सिचुएशन. मतलब अब इस सिचुएशन में आपको संभल के रहना चाहिए, संभल जाना चाहिए, पुरानी गलतियों से सीख लेके उसको सुधार करके आगे बढ़ना चाहिए. तो 2020 में क्या हुआ था एक्चुअल में, द एग्जाम वॉज शेड्यूल्ड इन द लास्ट वीक ऑफ मई, ओके, एज एवरी ईयर. और दिस एग्जाम एक्सटेंडेड टिल अक्टूबर, 22nd अक्टूबर, लेट मी बी स्पेसिफिक, 22nd अक्टूबर 2020. सो ये जो एग्जाम की डेट थी, ऑलमोस्ट दिस इज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 5 मंथ्स. दिस इज 5 मंथ्स, एंड 5 मंथ्स आर मोर देन अनफ इफ यू आर प्रिपेयरिंग ऑलरेडी फ्रॉम 2 ईयर्स और 1 ईयर्स. तो जब बच्चा इतनी पहले से प्रिपेयर कर रहा है और मई में एग्जाम होने के लिए बिल्कुल बेताब है कि मई में एग्जाम हो और मैं अपियर हूँ उस एग्जाम में, सो अगेन एक्सटेंडिंग 5 मंथ्स इज अ प्रेशर फॉर हिम. ठीक है, एक मेंटल स्टेबिलिटी जो होती है वो उस बच्चे की टूट जाती है, मेंटली स्टेबल नहीं रह पाता है, फिर वो अपने आप को बांध नहीं पाता है, ही इज नॉट पेशेंट इनफ. देन दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो टायर्ड है अपनी प्रिपरेशन, इज टायर्ड ऑफ हिज प्रिपरेशन नाउ, क्योंकि वो पढ़ पढ़ के पिछले 2-3 साल से वो इतना थक गया है कि अब वो इस प्रेशर को झेल नहीं सकता है, जो टाइम एक्सटेंशन का जो प्रेशर है उसको अब वो नहीं सहन कर सकता है. देन अगेन आफ्टर दिस लेट मी एक्सप्लेन वन मोर थिंग कि आपके साथ जो हो रही है सेम सिचुएशन हो रही है. दिस आई वॉज शोइंग यू समथिंग अबाउट 2020, कि 2020 का जो एनालिसिस था, 2020 में जो बच्चों ने गलती करी है, क्यों बच्चे पीछे रहने का कारण है. मतलब ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है जो डिजर्विंग थे, लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक पर्सन और अ काइंड ऑफ ग्रुप, बट ऐसा होता है कि जैसे जो बच्चा अंडर 20 लाने की काबिलियत रखता था, दैट वॉज अंडर 100, जो अंडर 100 लाने की काबिलियत रखता था, दैट वॉज अंडर 250. मतलब हर किसी की रैंक एक्सपेक्टेशन से पीछे आई है, कुछ बच्चों के एक्सपेक्टेशन से रैंक अच्छी भी आई है, उनके बारे में भी हम देखते हैं कि उन्होंने क्या ऐसी अच्छी चीज करी जिससे कि उनके एक्सपेक्टेशन से रैंक अच्छी आ गई, या फिर एक्सपेक्टेशन से नहीं भी आई पर उन्होंने मेहनत कर ली तो वो चीज उनके लिए कारगर साबित हो गई. सो सबसे पहले तो जो रैंक पीछे होने का कारण है वो ये है कि बच्चों ने मई तक तो अपना पूरा जी जान लगा के मेहनत करके एग्जाम के लिए पढ़ा, पर आफ्टर मई जो है आपकी समय ने परीक्षा लेना चालू कर दी. एक्चुअल में अब जो टाइम बाउंडेशन है, अब जो टाइम लिमिट, जो 5 मंथ्स की टाइम लिमिट थी, उस समय ये भी अनसर्टन थी क्योंकि एग्जाम की डेट्स आई नहीं थी. अब इसमें क्या हुआ, बहुत सारे बच्चों को लग रहा था कि एग्जाम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि रूमर्स भी बहुत सारे फैल रहे थे, तो एग्जाम होगी कि नहीं होगी, होगी तो कब होगी, क्योंकि डेट कुछ भी आई नहीं थी उस टाइम पे. सो रूमर्स बहुत ज्यादा फैल रहे थे, बच्चे बहुत सारे रूमर्स पे ध्यान दे रहे थे और डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे क्योंकि एग्जाम की डेट अब एक्सटेंड हो चुकी थी और पता भी नहीं था कि एग्जाम की डेट क्या है. तो ये कुछ बच्चों ने इसको क्या समझा कि एग्जाम होगी कि नहीं होगी, उनको ये एग्जाम पे डाउट होने लग गया, और कुछ बच्चों ने इसको सर्टेन इवेंट माना, प्रोबेबिलिटी 1 मानी कि एग्जाम तो होगी रहेगी, आज नहीं होगी कल होगी, कल नहीं होगी नेक्स्ट मंथ होगी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ होगी, 4 मंथ्स 5 मंथ्स बाद होगी. तो उन्होंने उनको ये पता था उन बच्चों को कि एग्जाम तो होके रहेगी चाहे जो हो जाए, मतलब हमें प्रिपरेशन हमारी अफेक्ट नहीं करनी इस चीज के कारण कि इंडिया में कोविड फैल रहा है, ब्लैक फंगस फैल रहा है, वॉट एवर इट माइट बी द सिचुएशन, पर ये जिस दिन ठीक होगी उस दिन हमारी एग्जाम होगी, और जिस दिन हमारी एग्जाम होगी उस दिन रिजल्ट हमारे काम आएगा. सो दे फोकस्ड ऑन दैट पार्ट. और दूसरी साइड जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स थे, उन्होंने क्या सोचा कि एग्जाम की डेट अभी आई नहीं है तो अभी प्रिपरेशन करने का सेंस नहीं है. अभी 2021 में बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है कि वो थोड़े से कमजोर पड़ गए हैं,
वो सोच रहे हैं कि एग्जाम भी डेट आ जाए उसके बाद वो स्टार्ट करेंगे, बट यू डोंट नो दिस इज ऑल इंडिया लेवल कॉम्पिटिशन। आप नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ रहा है, और कोई और उस समय में उतना पोर्शन कर लेगा जितना आप आने वाले समय में करोगे, तब तक वो और आगे का कवर कर लेगा। सो जैसे जैसे जो साइकिल है वो बढ़ते जाएगी, वो आपसे मल्टीप्लीकेशन फैक्टर्स में आगे बढ़ते जाएगा। अगर वो अभी आपसे कुछ कदम आगे है तो दुगनी तेजी से, 4 गुना 8 गुना, ऐसे वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में आपसे आगे बढ़ता जाएगा, और देन द सिचुएशन विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू टू हैंडल और कवर। ठीक है, अब वो जो पॉसिबिलिटी है वो आप कैसे कवर कर सकते हो, वो ऐसे कवर कर सकते हो कि अभी से ही आप उसमें चीजों में लगे रहो, चीजों को बिल्कुल छोड़ो मत। जो जो जैसी पढ़ाई कर रहा है, जिसको जिस टॉपिक में, जिस चैप्टर में, जिस टॉपिक में, जिस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, रेक्टिफाई दैट एंड उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलो तो आपको लगे कि हाँ यार, मैंने वो टाइम यूटिलाइज करा है। अच्छा हुआ कि मई में एग्जाम नहीं हुई, क्योंकि मई में होती एग्जाम तो मेरे शायद इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो छूट सकते थे। पर अब जब एग्जाम जून में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इट माइट बी एनी मंथ, पर तब हो रही है, तो एटलीस्ट इस समय में मैंने इस समय को यूटिलाइज करके जो है वो सारे टॉपिक्स जो है बहुत अच्छे से कवर कर लिए। और दूसरी चीज जो ये है कि मैंने सारे टॉपिक्स को रेक्टिफाई कर लिया है, उनमें जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको रेक्टिफाई कर लिया है, जो जो भी मेरे साथ डाउट्स थे वो मैंने क्लैरिफाई कर लिए हैं, जो दूसरी प्रॉब्लम्स आ रही थी मेरे साथ कि क्वेश्चन बन नहीं रहा है या फिर रिपीटेडली सेम मिस्टेक हो रही, तो उन सारी गलतियों को मैंने रेक्टिफाई करके सही कर लिया है। तो जब एंड ऑफ द डे आप एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम सेंटर से बाहर निकल रहे हो, तो यू विल नॉट हैव अ रिग्रेट दैट इतना टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, या फिर इतने टाइम में मैं कवर अप कर सकता था, दैट शुड नॉट बी था, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, तो यू हैव टाइम टू इम्प्रूव थिंग्स। अभी आप अगर जितना ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हो उस चीज को, तो यू कैन डू इट। अभी सारी जो है बाजी आपके हाथ में है। अदर देन दिस होता क्या था कि जैसे अब मैं बताता हूँ उन बच्चों की सिचुएशन जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म कर गए, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे थे 2020 में जिन्होंने, लाइक हर साल ही होते हैं ऐसे बहुत सारे बच्चे जो लेट स्टार्ट करते हैं, दे स्टार्ट द प्रिपरेशन, लाइक अगर मई में एग्जाम होने वाली है तो बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जो दिसंबर से या फिर जनवरी से स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन। एंड मतलब उनका कंसर्न ऐसा रहता है, उनमें से मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का कंसर्न ऐसा रहता है कि वो जो है वो ये सोच के चलते हैं कि अगर इस साल नहीं होता है तो दे आर रेडी टू टेक अ ड्रॉप। ठीक है, वो जस्ट एक ट्राई देने के लिए एक बार प्रिपरेशन 4 to 5 months या 6 months की प्रिपरेशन करके देखना चाहते हैं कि कितना उनसे हो पाता है। अब 2020 के केस में क्या हुआ, एंड सिमिलर थिंग इज गोना बी हैपन इन 2021, तो 2020 के इसीलिए एनालिसिस की यहाँ पे बात हो रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंस से आप जब कुछ चीज सीख लेते हो तो उसको आप फ्यूचर में होने वाली चीजों को आप सुधार सकते हो उससे। सो अगर कोई बच्चा दिसंबर से उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है एंड द एग्जाम इज गोना बी हैपन इन और इन लाइक मई, सो ही विल गेट 6 months। इफ इन जनवरी ही गेट 5 months, तो 5 और 6 और 5 months जो है ये सीधा उसके एक्सटेंड हो गए 11 to 10 months पे, क्योंकि 5 months का यहाँ उसको एक्सटेंशन मिल गया। तो वो जो बच्चा है वो पहली बार चीजें पढ़ रहा था और फुल जोश के साथ पढ़ रहा था, तो दिस गाय इज द प्रिपरेशन हु स्टार्टेड फ्रॉम दिसंबर और जनवरी, द लेट स्टार्टर, एंड दिस वॉज द अर्ली स्टार्टर। जिसने स्टार्ट अर्ली कर लिया था उसने पूरा रास्ता तय कर लिया था, पर उसके पास सिर्फ इतना सा गैप था, दिस वॉज द टाइम, जो आपका टाइम का जो प्रेशर था जो वो बच्चा सहन नहीं कर पाया, जो बच्चा लाइक उससे ओवरकम नहीं कर पाया, तो ही वॉज जस्ट अ थिन लाइन डिफरेंस था उसके और ये डायमंड्स, दिस कंसिडर दिस डायमंड एज एनआईटीज, तो उसके और एनआईटीज के बीच में थिन लाइन डिफरेंस था, पर भी वो कर नहीं पाया। पर जिस बच्चे में जोश था, उसके पास टाइम अच्छा खासा था, दिस ये जो आपका बीच का सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है आपका बीच का, दिस इज योर 5 months, 5 months, और ये जो 5 months थे इसको इसने बड़ी आसानी से लेट स्टार्ट में ज्वाइन करा, तो इसने जो है ये बड़ी आसानी से ये रास्ता तय करके उसको एनआईटी हासिल हो गया। और ये जो बच्चा था जिसने पहले सब कुछ कर रखा था पर एक थोड़ी सी दिक्कत या फिर थोड़ा सा वो प्रेशर ना झेल पाने की वजह से ही'ल इधर लूज द एनआईटी और ही'ल इधर लूज हिज एक्सपेक्टेड रैंक, जो वो कर सकता था, जिसके लिए उसने साल भर मेहनत करी, साल, 2 साल 3 साल मेहनत करी, उससे वो मतलब जो उसको अचीव हो सकता था वो उसे अचीव ना हो सका।
तो ये जो था एनालिसिस था 2020 के हिसाब से कि 2021 के बच्चों के लिए कितना संभल के रहने की जरूरत है, और इफ समवन इज अ रिपीटर या फिर कोई ड्रॉप बोलता है, कोई रिपीट बोलता है, सो अगर कोई ड्रॉपर है तो ड्रॉपर को और ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि 4 ईयर्स या फिर 3 ईयर्स या फिर 2 ईयर्स दीज आर ऑलमोस्ट इक्वल टू एमसीए इन एनआईटीज, तो ये जो है आपका टाइम स्पैन पहले से निकल चुका है इतना, और इतने टाइम स्पैन में इस स्टेज ऑफ टाइम पे या फिर इस पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ लाइफ पे आपकी जो है बहुत ज्यादा क्रूशियल है, आपके 4 साल आज के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो 4 साल है, ये जो 3 साल है, या ये जो 2 साल है जो आपने इन्वेस्ट करे हैं, दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर फॉर नेक्स्ट 40 ईयर्स 50 ईयर्स, तो इसको आप इन्वेस्ट कर चुके हो अच्छी जगह, तो उसको बैक ऑफ मत करो, और अगर थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है, लेथार्जिक फील हो रहा है कि टाइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या फिर ऐसा कुछ लग रहा है, तो यू जस्ट कंसिडर वन थिंग इन योर माइंड दैट आपको ये चीज सोच के रखनी है कि एग्जाम जो है दैट इज अ सर्टन इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, एग्जाम हो के रहेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आफ्टर फ्यू मंथ्स, पर एग्जाम हो के रहेगी, तो या फिर उस चीज के लिए आप ऐसा मत सोचो कि लेथार्जिक मत हो, डोंट फील लाइक अ बर्डन फॉर इट, क्योंकि उस एग्जाम के लिए आपने इतने टाइम से प्रिपेयर किया है, एक मेंटल स्टेबिलिटी रखो ताकि आप उसको चीजों को अच्छे से आगे ले जा पाओ। अब मैं एक और ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, दिस व्हाट हैपेंस टू द स्टूडेंट्स। अब ये जो है, ये जो बच्चे हैं, दिस इज लाइक वी हैव टेकन अ सैंपल ऑफ 50 सीरियस एस्पिरेंट्स। सीरियस एस्पिरेंट्स मतलब जो चाहे जो हो जाए, एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत सीरियसली कर रहे हैं, दे आर डेडिकेटेड फॉर देयर एग्जाम, और वो चाह रहे हैं कि कैसे भी करके उनसे एग्जाम निकल जाए या फिर एग्जाम निकल जाए एक अच्छी रैंक से। तो इफ मतलब कोई एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, इट्स नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर बैच लाइक 2020 और 2021, पर एक अगर मैं सैम्पल साइज लेता हूँ 50 स्टूडेंट्स का, दिस ऑफ फॉर सीरियस एस्पिरेंट्स, तो 650 में से 45 स्टूडेंट्स जो है वो डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएंगे उस एग्जाम में, बिकॉज दे आर सीरियस। देखो एग्जाम तो हजारों बच्चे देते हैं, पर जो सीरियस एस्पिरेंट्स रहते हैं, एग्जाम की सीट्स भी तो 800 ही रहती है, तो सिलेक्ट तो 800 होते हैं, भले दे 800, 8,000, 8 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, पर जो नंबर ऑफ सीट्स है वो रिजर्व है, और उसी के लिए बच्चे जो है फाइट कर रहे हैं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन एन एवरेज कि 50 सीरियस एस्पिरेंट्स में से जो है 45 सिलेक्ट होते हैं और 5 सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, मतलब रीजन कुछ भी हो सकता है उनके पीछे, पर 5 सिलेक्ट अगर नहीं हो रहे, अगर आप उन 5 बच्चों में से हो जो सिलेक्ट नहीं हो रहे, एक सैंपल साइज 50 में से, अगर आप उन 5 बच्चों में से जो सिलेक्ट नहीं हो रहे, इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट एंड एंड यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड इन 2020, और अगर ऐसा होने वाला है कि 2021 में आप सिलेक्ट नहीं होते हो, तो आप इस वीडियो को ध्यान रखना बाद में भी, तो जो है चीजें थोड़ी अलग इसलिए हो रही है क्योंकि आपका जो या तो डेडिकेशन पूरा नहीं था, इट माइट बी पॉसिबल इन दिस केस कि कोविड की सिचुएशन की वजह से या फिर कुछ और सिचुएशन की वजह से अभी कुछ चेंज हो सकता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है चीजें, पर एक ऑन एन एवरेज में एक होल एंड सोल बात करूं तो जो 5 बच्चे बच रहे हैं, इधर दे आर लैकिंग इन द डेडिकेशन फॉर द प्रिपरेशन, ठीक है, या तो फिर वो मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रख पा रहे हैं, दूसरा पॉइंट, थर्ड दे आर लूजिंग देयर पेशेंस, तो ये हो सकता है उनका तीसरा पॉइंट, दे आर लूजिंग देयर पेशेंस, फिर चौथा पॉइंट हो सकता है आपका दे आर टायर्ड ऑफ देयर प्रिपरेशन, क्योंकि टाइम बढ़ने के कारण जो है वो प्रिपरेशन के से वो भागते जा रहे हैं, दूर भागते जा रहे हैं। दिस फोर रीजन्स माइट बी प्रोमिनेंट रीजन्स कि वो 5 बच्चों जो भीड़ से अलग हो रहे हैं, सीरियस प्रिपरेशन सीरियस एस्पिरेंट्स थे, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ कुछ ना कुछ गलती के कारण, तो मेजर जो है इन 4 या 5 गलतियों में से कुछ हो सकता है। अगेन फिर स्टूडेंट्स मतलब जो आपके सीरियस एस्पिरेंट्स जो रहते हैं, इसके अलावा भी जो कुछ बच्चे रहते हैं, जैसे मैंने बोला था कि बहुत लेट बच्चे स्टार्ट करते हैं, देन टू दे क्रैक द एग्जाम, तो होता क्या है कि उनका जो टाइम पीरियड है उन्हें 10 मंथ्स का मिला, 9 मंथ्स का मिला है, तो दे हरी अप देयर प्रिपरेशन, दे आर लाइक मोर एक्साइटेड देन यू नाउ टू क्रैक दैट एग्जाम इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि आपके साथ जो पुराने कॉम्पिटिटर्स थे वो तो हैं ही सही, और इसके साथ साथ जो है नए कॉम्पिटिटर्स भी आते जा रहे हैं। वन मोर थिंग, हर साल एग्जाम में नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो धीरे 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 करके कॉम्पिटिशन जो है ओवरऑल एग्जाम में आपका बढ़ते जा रहा है, तो दिस थिंग ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड। अगेन सीरियस एस्पिरेंट्स जो है इन 4 या 5 गलतियों में से कुछ कर रहे हैं,
और इसी को इन्हें सुधार रहे हैं, इसको ध्यान देना है कि क्या हम इनमें से कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं, या फिर दो कर रहे हैं इनमें से, चार कर रहे हैं, सारी कर रहे हैं, सारी में से कोई एक कर रहे हैं, तो यू हैव टू रेक्टिफाई दैट एंड यू हैव टू रिजॉल्व इट। अब ये जो है, ये जो आपका है मीटर एक बनाया है मैंने कि कैसे एक टाइम का अकॉर्डिंग टू 2020 मैंने एक रेफरेंस में लिया है, क्योंकि जो इवेंट आपका 2021 में अभी हो रहा है दैट हैज ऑलरेडी बीन हैपेंड विद द बैच ऑफ 2020। तो हम जो है एनालिसिस इसीलिए कर रहे हैं कि उस एनालिसिस से हम सीख लेके यहाँ पर वो गलती नहीं करें जो हजारों बच्चों ने उस समय करी थी। तो मई का महीना आपका निकल चुका है, मई का मंथ जो था आपका बहुत क्रूशियल था एज पर निमसेट, क्योंकि निमसेट उस मंथ में होने वाली थी पहले, पर अब जो है निमसेट पोस्टपोन हो गई। तो अब जो है, जैसे अगर मैं मान के चलूं कि अक्टूबर में अगर आपकी एग्जाम होती है एज पर द एज वी सी लाइक 2020 का अगर हम देखें, इट माइट बी पॉसिबल दैट आपकी एग्जाम या तो जून में हो जाए, जुलाई में हो जाए, अगस्त में हो जाए, सेप्टेम्बर में हो जाए, या फिर अक्टूबर में हो जाए। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि नवंबर या दिसंबर में हो जाए, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बाकी इनमें से कोई से मंथ्स में से, तो जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड निकलता जाता है तो लेवल ऑफ डेडिकेशन फॉर योर स्टडीज गो डाउन। जैसे जून में जो है ये कुछ 80%+ रहेगा, ओके, एंड देन जुलाई में दिस विल डिक्रीज डाउन टू 70+, देन 50 अराउंड, एंड देन लाइक 35, एंड देन 20। तो जब मेन आपका एग्जाम का मंथ था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी वन, आई एम टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट्स जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ होता है ऐसा। तो जब 20% ये अक्टूबर का मंथ अगर आपका, लेट अस कंसिडर दिस इज एज योर एग्जाम मंथ, और अगर इस मंथ में आपका 20% डेडिकेशन अपनी पढ़ाई की तरफ, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट यू आर अचीविंग सम ग्रेट रैंक और यू बीन गेटिंग सेलेक्टेड इन द एग्जाम। तो ये आप एक्सपेक्ट करना बहुत बड़ी गलती होगी आपकी। तो अभी भी टाइम है, ये चीजें आप सुधार सकते हो, ओके। सो इसीलिए इस लेक्चर का जो मोटिव था वो यही था कि 2020 की गलतियों से, या फिर पूरी बैच के मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का क्या एनालिसिस रहा, उनकी क्या गलतियों से हम सीख ले सकते हैं और इस साल उसे रिपीट करने से रोक सकते हैं, बच सकते हैं उससे। तो ये एनालिसिस था पूरा। तो मेक अ नोट ऑफ इट कि इसको आप बहुत अच्छे से एनालाइज करो, देखो कि कहाँ हम गलतियां कर रहे हैं, कौन सा पोर्शन हमारा छूटा हुआ है। टाइम डजेंट मैटर, क्योंकि एग्जाम मैंने जैसा कि बोला एक सर्टेन इवेंट है, एग्जाम डेफिनेटली होगी, कुछ महीने बाद होगी, ओके, पर होगी जरूर। तो उस दिन के लिए आप अभी से प्रिपरेशन छोड़ना वो बिल्कुल सही नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं बोलते जा रहा हूँ कि जैसा जैसा आपका जो जो पोर्शन जो है वो छूटते जा रहा है, या फिर जो जो आपका पोर्शन जो है वीक है, स्ट्रॉन्ग करो उसको, गलतियां रेक्टिफाई करो एंड मूव ऑन। अपार्ट फ्रॉम दिस, एलाइटेड यूवेंचर्स हैज स्टार्टेड इट्स बैचेस फॉर 2023 NIMCET एस्पिरेंट्स, एंड वी आर बीन स्टार्टिंग आर फ्री टेस्ट सीरीज एंड NIMCET मॉक टेस्ट सीरीज फॉर फ्री, एंड सम फ्री टेस्ट सीरीज फॉर स्पेशली फॉर मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग टॉपिक वाइज टेस्ट। सो यू कैन गेट इट ऑन ऑन आर एप्लीकेशन, यू विल गेट अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। सो दिस इज इट फॉर नाउ, थैंक यू।